देखिए मैं किसी को सजेस्ट नहीं करता कि भाई अगर आपकी गाड़ी में नॉर्मल एडवांसर लगा हुआ है और आप की गाड़ी ठीक चल रही है, आप सेटिस्फाइड हो, तो आप डायनेमिक की तरफ जाओ। बट हाँ, अगर आपको लगता है हेलो एंड वेलकम टू द चैनल फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जो गाड़ी है ये है मारुति सुजुकी स्विफ्ट 2017 का ये मॉडल है। 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड इसमें इंजन आता है और इस गाड़ी में हमने आज से एक साल पहले CNG लगाई थी। इस टाइम ये गाड़ी चली हुई है 42,000 किलोमीटर्स, जिसमें कि 25,000 चलाई गई है CNG पे। अब तक इस गाड़ी में नॉर्मल एडवांसर इंस्टॉल्ड था, गाड़ी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी, मगर आउट ऑफ क्यूरोसिटी कि भाई कोई नई चीज़ मार्केट में आई है, जो इस गाड़ी के ओनर हैं वो थोड़ा अप टू डेट रहना चाहते थे CNG को लेके, तो उन्होंने आज हमसे डायनामिक एडवांसर इंस्टॉल कराया है। तो एक बार मैं आपको डायनामिक एडवांसर की प्लेसमेंट और इंस्टॉलेशन दिखा देता हूँ और उसके बाद एक बार ओनर का फीडबैक लेंगे कि भाई जो उन्होंने स्टैटिक से डायनामिक की तरफ स्विच किया तो उन्हें कुछ फ़र्क महसूस हो रहा है कि नहीं। तो यह हमारा स्विफ्ट का इंजन बे, एक बार थोड़ा सा आपको इंस्टॉलेशन दिखा देता हूँ। ये फिलिंग वॉल लगाई थी हमने, ये रिड्यूसर, ये गेज, ये हमारा ECM हो गया, पीछे मैप सेंसर है ये वाइट वाला, ये हमारे इंजेक्टर रेल्स, और आज जो इसमें एडिशन हुई है वो हुई है ये डायनामिक एडवांसर की। ये हमारी डायनामिक एडवांसर की पूरी वायरिंग जा रही है, पीछे से अगर आपको दिख पा रहा हो तो ये आप देख रहे हैं, ये पूरी डायनामिक की वायरिंग जा रही है। और बेसिकली डायनामिक एडवांसर किस पैरामीटर पर काम करता है, डायनामिक एडवांसर की जो इंस्टॉलेशन है या जो कनेक्शन है, कनेक्टिविटी है, वो गाड़ी के क्रैंक सेंसर, कैम सेंसर, मैप सेंसर, थ्रॉटल पोजीशनिंग सेंसर, इन सब से की जाती है, ताकि ये सब चीज़ें आपस में सिंक्रनाइज होके बहुत अच्छा आउटपुट आपको दे सके CNG पे। और जो हमारा ट्रेडिशनल जो क्रैंक बेस्ड सेंसर आता था, अभी भी आता है, तो ऐसा नहीं है कि वो बेकार है, वो अपने पोटेंशियल के हिसाब से, अपनी कॉस्ट के हिसाब से बहुत बढ़िया काम करता है। आज तक हम वही लगाते थे, लोग सेटिस्फाइड थे, सब कुछ सही था, मगर अब ये एक नई टेक्नोलॉजी है, बेसिकली एक रेवोल्यूशन है ये CNG इंडस्ट्री में, क्योंकि इसको लगाने के बाद गाड़ी का पोटेंशियल जो है CNG पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जो नॉर्मल एडवांसर होता था हमारा, वो गाड़ी के क्रैंक और थ्रॉटल पोजीशनिंग सेंसर से ही कनेक्टेड होता था, वो आपस में सिंक्रोनाइज होके काम करते थे, मगर ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ों के साथ अटैच होता है, तो गाड़ी की जो परफॉर्मेंस है, जो आउटपुट है, वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो जाती है। तो अब एक बार गाड़ी के ओनर से पूछते हैं, एक छोटी सी ड्राइव पे चलते हैं और उनका रिएक्शन क्या है कि भाई डायनामिक लगा के उन्होंने कोई गलती तो नहीं की, कोई फ़ायदा है, नुकसान है, वो उन्हीं से पूछेंगे। तो ये हमारा डायनामिक एडवांसर का सॉफ्टवेयर, और जैसे कि आप देख सकते हैं सब चीज़ें कनेक्टेड हैं। ये इस टाइम ऑफ है, सर हल्की सी रेस दो, ये देखो रेस देते ही ये ऑन हो जाएगा, बेसिकली एडवांसर अपना काम करना स्टार्ट कर देगा जैसे ही आप एक्सेलरेट करोगे। ये गैस है, ये हमारा एडवांस एंगल है, फिर से रेस दो हल्की सी, देखो जैसे ही रेस देंगे ये एडवांस हो जाएगी गाड़ी। ये हमारा RPM हो गया, थ्रॉटल पोजीशनिंग सेंसर हो गया, मैप हो गया, ये हमारा कैम सेंसर हो गया, ये हमारी वोल्टेज हो गई। तो सारी चीज़ें आपस में कनेक्टेड हैं, आपस में एक दूसरे के साथ सिंक्रनाइज होके काम कर रही हैं। चलिए सर चला के देखिए गाड़ी। अभी तक गाड़ी मैं चला रहा था और अब फर्स्ट टाइम ये चला रहे हैं डायनेमिक के साथ। अभी तक नॉर्मल एडवांसर के साथ चला रहे थे, 25,000 चला चुके हैं। तो सर से पूछते हैं, ये अभी मेरे ख्याल से एक मिनट भी नहीं हुआ इनको गाड़ी चलाते हुए, तो आपने जो ये नॉर्मल एडवांसर हटाया तो कुछ इशू आ रहा था आपको? नहीं, ऐसा कोई इशू नहीं था मेरे को। अभी तक 25,000 आपकी गाड़ी सही चली? हाँ, सही चली है, मेरे को कोई ऐसा कोई इशू नहीं था उस वाले से। बट मुझे ये था कि मेरे को अपनी गाड़ी में अपडेटेड चीजें लगानी थी, लाइक जैसे कि आपने बताया था कि वीडियो में आपने कि अभी रिसेंटली ये नया आया है, तो मैंने सोचा कि इसको एक बार ट्राई करना चाहिए, फिर बाकी यूज करते हैं। तो बट लेकिन अभी तक तो मैं जो चला रहा हूँ, मुझे तो अभी तो आपको मेरे ख्याल से एक दो मिनट ही हुए। हाँ, एक दो मिनट ही हुए, बट लेकिन उससे और इसमें कुछ फर्क है। गाड़ी जो थी पहले जर्क करती थी लो गियर्स पे, हल्का हल्का जर्क करती थी, लेकिन अभी मुझे ना वो जर्क नजर नहीं आ रहा बिल्कुल भी, तो उस लेवल पे तो मुझे अभी तक तो ठीक लग रहा है, बाकी जैसे जैसे मैं यूज करूंगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी तक आप जब आप आए, आपकी गाड़ी
आपके अकॉर्डिंग सही चल रही थी, नॉर्मल एडवांसर लगा हुआ था, अब डायनामिक लगाया, कुछ और चीज नहीं छेड़ी, सिर्फ डायनामिक लगा के मैंने डायनामिक एडवांसर का जो सॉफ्टवेयर है उसे सेट किया है, उसके बाद आप अपनी गाड़ी में बैठे हो, तो आपको कुछ फर्क कि भाई कुछ चेंज है? मैं अगेन सबसे वही चीज मेंशन करूंगा कि मुझे जो सबसे पहला जो फर्क नजर आया है वो यही है कि जब गाड़ी को मैं स्लो पे पहले चलाता था तो गाड़ी झटके लेती थी हल्के हाई गियर्स पे, बट अभी एज ऑफ नाउ ये थर्ड या फोर्थ ईयर पे है लेकिन इसके अंदर बिल्कुल भी झटके नहीं है, मतलब जैसे पेट्रोल पे चलती फ्लॉलेसली उठ रही है, फ्लॉलेसली उठ रही है, तो मेरे को अभी तक तो रिफाइनमेंट लगा है कि हाँ पहले से काफी रिफाइन हुआ है, तो आई रिकमेंड कि ये अच्छा है, बाकी लेट्स सी। तो अकॉर्डिंग टू हिम, अकॉर्डिंग टू सर, जो उनको लगा कि भाई वही मैं हर चीज कहता हूँ कि बहुत सारे सेंसर्स इस एडवांसर के साथ सिंक्रोनाइज होके काम कर रहे हैं, तो गाड़ी का आउटपुट बट ऑब्वियसली है स्मूथ होगा, गाड़ी आपको ऐसा लगेगा कि आप पेट्रोल पे ही चला रहे हो, आपको देखना पड़ेगा स्विच की तरफ कि भाई मेरी गाड़ी सीएनजी पे चल रही है या पेट्रोल पे है, इतना आपका जो आउटपुट है, थ्रॉटल रिस्पॉन्स है और टॉर्क डिलीवरी है वो इतनी स्मूथ हो जाएगी कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी गाड़ी सीएनजी पे है पेट्रोल पे। अब देखिए, अब थोड़ी सी हैवी ड्राइवर हो गए अचानक तो अब क्या कहती है, आप थोड़ा सा भगा रहे हो, स्मूथनेस है, बहुत स्मूथ है, तो सर हमारे सेटिस्फाइड है। देखिए मैं किसी को सजेस्ट नहीं करता कि भाई अगर आपकी गाड़ी में नॉर्मल एडवांसर लगा हुआ है और आप की गाड़ी ठीक चल रही है, आप सेटिस्फाइड हो, तो आप डायनामिक की तरफ जाओ, बट हाँ अगर आपको लगता है कि भाई मेरी गाड़ी में पोटेंशियल है, मेरी गाड़ी की स्मूथनेस बढ़ सकती है, तो यू मस्ट गो फॉर डायनामिक एडवांसर, और जो पैसा आप इसको लगाने में खर्च करोगे वो एक एक पैसा वर्थ होगा, आपको रिग्रेट नहीं होगा। रिग्रेट हो रहा है क्या? नहीं बिल्कुल नहीं कुछ बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये बहुत स्मूथ लग रही है कार पहले से। अच्छा, तो इसी के साथ मैं वीडियो खत्म करता हूँ। अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें।